पीएम मोदी देव दीपावली पर कल वाराणसी पहुंच रहे हैं, जिसे देखते हुए पूरे शहर में उत्सव का माहौल है। कल वाराणसी में देव दीपावली से पहले हुआ भव्य लेजर शो, गंगा आरती पर उमड़ी भीड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद। ग्रेटर नोएडा में 600 करोड़ की लागत से बनेगा हीरा नंदानी ग्रुप का डाटा सेंटर, सीएम योगी ने भूमि पूजन कार्यक्रम का किया शुभारंभ, कहा यूपी में निवेश से पूरे देश को मिलता है फायदा। सीएम योगी ने प्रदेश को दी सड़कों की सौगात, करीब 850 करोड़ रुपए के सड़कों का किया शिलान्यास और लोकार्पण, कहा पैसों के सही उपयोग से होगा विकास। और वैसे की गढ़ में अमित शाह का शक्ति प्रदर्शन, हैदराबाद में शक्ति साधना के बाद चुनावी प्रचार की शुरुआत, नगर निगम चुनाव के लिए सिकंदराबाद में रोड शो। हैदराबाद का नाम बदलने के बयान पर देवबंदी उलेमा ने जताई नाराजगी और बीजेपी को सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास नारे की याद दिलाई। पीएम मोदी ने मन की बात में किया कृषि सुधारों का जिक्र, कहा किसानों में फैले भ्रम को दूर करना जरूरी, नए कानून से किसानों को मिले कई अधिकार। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर एक बार फिर पुलिस से भिड़े किसान, किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़कर दिल्ली में घुसने की कोशिश की, पुलिस ने आंदोलनकारी किसानों को रोका। किसान आंदोलन को लेकर अभी रणनीति का इंतजार करेंगे प्रदर्शनकारी, भड़कू नेता राकेश टिकैत का बयान, जो जहां है अभी वहीं रहेगा, हम दूसरा शाहीन बाग नहीं बने देंगे। किसानों ने गृहमंत्री अमित शाह की अपील की खारिज, प्रदर्शन के लिए बुराड़ी नहीं जाएंगे किसान, बात नहीं माने पर 26 जनवरी से बड़े आंदोलन की धमकी। नए कृषि कानून के विरोध में आगरा में भी भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने दिया धरना, भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने एक्सप्रेस वे पर न सिर्फ हंगामा किया बल्कि एक्सप्रेस वे पर जाम भी लगा दिया। नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी, सिंघू बॉर्डर पर अभी भी डटे हैं किसान, राहुल गांधी बोले काले कानून के खात्मे तक जारी रहेगी लड़ाई। किसान आंदोलन को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने सरकार पर साधा निशाना, मायावती ने ट्वीट किया कि कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार पुनर्विचार कर ले तो बेहतर। भाजपुर में कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों ने दिल्ली के लिए किया कूच, सैकड़ों किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली से दिल्ली के लिए कूच किया। उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार के नेतृत्व में बैठक हुई, जिसमें दावा किया गया कि मिशन 2022 में बीजेपी 60 से 65 सीटें जीतकर इतिहास रचने वाली है। बीजेपी के 60 से 65 सीटें जीतने के दावे पर कांग्रेस का बयान, बीजेपी का दावा ईवीएम के बलबूते किया जा रहा है, कहा कि चुनाव में ईवीएम का कमाल अगर होगा तो कुछ भी संभव हो सकता है। देहरादून में स्मार्ट सिटी के तहत कई योजनाओं पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, सरकार के काम पर खड़े किए सवाल। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने चमोली में विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, इस दौरान उन्होंने कहा कि ओली को जोड़ने वाली रोपवे को 150 तक बढ़ाई जाएगी। महुआ में खनन कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत के मामले में भगौड़ा एफएस मणिलाल पाटीदार पर 25,000 का इनाम घोषित, सिपाही अरुण यादव पर भी 25,000 का इनाम घोषित। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को शामली पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। फरुखाबाद में एमएलसी चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी बीएसपी और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला, अजय लल्लू ने कहा कि विकास के नाम पर कुछ नहीं, चाहे सपा की सरकार हो, बीएसपी की सरकार हो या फिर बीजेपी की। कुशीनगर में जमीन के विवाद में दो समुदाय के बीच जमकर मारपीट, दोनों समुदाय के 18 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। चित्रकूट में एक गर्भवती महिला के घर में घुसकर धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई, महिला के पति और ससुर ने आरोप लगाया कि उनकी जेठानी नहीं महिला की हत्या करवाई है। रायबरेली में लखनऊ रायबरेली टोल प्लाजा पर गुंडई, टोल मांगने पर बीजेपी विधायक राम नरेश रावत के गुर्गों पर मारपीट का आरोप, कर्मचारी की पिटाई पर मैनेजर ने दी तहरीर। पीलीभीत के मांधो टांडे के रिहायशी इलाके में एक टाइगर घुसा, इलाके के कुत्तों ने टाइगर को दौड़ा लिया, कुत्तों के भौंकने के बाद टाइगर वहां से भाग गया। सीतापुर में ग्रामीणों ने अपने हौसले और मेहनत से लकड़ी का पुल बनाया, मामला सिधौली तहसील के बागुला पारा घाट का। वाराणसी में इन दिनों साइबेरियन पक्षियों ने डेरा डाला, साइबेरियन पक्षियों के घाटों पर होने से नजारे और खूबसूरत आए नजर। पीलीभीत के मदरसे में मासूम के साथ बेरहमी से पीटने का मामला आया सामने, मदरसा संचालक पर आरोप है कि उसने 12 साल के बच्चे को बंधक बनाकर जंजीरों से पीटा।
ललितपुर में एक युवक को स्कूटी स्टार्ट न होने पर इतना गुस्सा आया कि उसने स्कूटी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। मामला सदर कोतवाली के नेहरू नगर मोहल्ले का है। गाजियाबाद में स्टर्न पेरिफेरल से अवैध शराब बरामद, बरामद शराब की कीमत लगभग 7 लाख रुपए आंकी जा रही। पीलीभीत में बिना मास्क के घूमने पर कार्रवाई, पुलिस ने कई लोगों से वसूला जुर्माना। संभल में रेलवे क्रॉसिंग पर गेटमैन की दबंगई का वीडियो आया सामने, गेटमैन पर ट्रक चालक को डंडे से पीटने का आरोप। आगरा के ताजगंज थाना क्षेत्र में अवैध शराब के ठिकानों पर छापेमारी, भारी मात्रा में कच्ची शराब बरामद। पनेल के गोलड़िया थाना इलाके में टेंट व्यापारी की गोली लगने से मौत, तो पुलिस मामले की जांच में जुटी। मथुरा में 8 साल की मासूम से रेप के बाद हत्या के मामले में परिजनों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल, पीड़ित परिवार का आरोप पुलिस ने केस सही से सॉल्व नहीं किया। बुलंदशहर के नगर कोतवाली इलाके में रोडवेज बस ने बाइक सवारों को रौंदा, 2 लोगों की मौके पर ही मौत। अमेठी में लाठी डंडे से पीट पीट कर शख्स की हत्या, पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 1 आरोपी को किया गिरफ्तार। ललितपुर में बदमाशों ने चरवाहों पर फायरिंग करके लूटी बकरियां, गोली लगने से 1 चरवाहा घायल, लूटी हुई बकरियां जंगल में ही बरामद। प्रयागराज में अवैध निर्माण पर प्रशासन की कार्रवाई, सोरो पुरानी अस्पताल परिसर में 3 दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई। मथुरा के थाना हाईवे इलाके में बांके बिहारी मंदिर में राधा और कृष्ण की मूर्ति चोरी, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। सोनभद्र में अनियंत्रित होकर ऑटो पलटा, ऑटो सवार आधा दर्जन यात्री घायल, टेढ़ा गांव की घटना। जौनपुर के बड़ियाहू कोतवाली थाना इलाके में ट्रेलर ने स्कूटी सवार युवकों को मारी टक्कर, 1 युवक की मौत, 1 युवक घायल। उन्नाव में ओवरलोड वाहनों के खिलाफ चेकिंग अभियान, 40 ओवरलोड ट्रक पकड़े गए, 20 लाख से ज्यादा का जुर्माना वसूला गया। नोएडा के सेक्टर 63 में स्थित निजी कंपनी में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। गाजीपुर में 2005 में तत्कालीन विधायक कृष्णानंद सहित 7 लोगों की हत्या के 16 साल पूरे, शहीद पार्क में शहादत दिवस श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी थाना क्षेत्र में अजगर निकलने से हड़कंप, वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़ा। बहराइच के भारत नेपाल बॉर्डर पर 5 थानों की कमान 5 छात्राओं ने संभाली, थाने पर तैनात सभी कर्मचारियों ने छात्राओं को दी अपना परिचय कराकर सलामी। मिर्जापुर के कटरा कोतवाली इलाके में युवक की हत्या का खुलासा, पुलिस ने आरोपी महिला सहित 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अल्मोड़ा में तय समय सीमा में ऑनलाइन राशन कार्ड अपडेट न कर पाने पर राशन कार्ड रद्द, जिला पूर्ति विभाग ने 2500 राशन कार्डो को किया रद्द। भाजपुर में किसान परिवार की महिला से मारपीट के मामले में कांग्रेस नेता अविनाश शर्मा ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की। मिर्जापुर में ओडीएफ के तहत गांव-गांव में बनाए जा रहे शौचालय, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं घर घर जाकर साफ सफाई के लिए करेंगी जागरूक। वार्डो में कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी, लेकिन बस में बिना मास्क के यात्रा कर रहे हैं यात्री। बुलंदशहर में दंगल की शुरुआत, एसएसपी ने मैदान में पहुंचकर किया दंगल का उद्घाटन, प्रतियोगिता के विजेता को मिलेगा 3,11,000 का इनाम। आगरा में पिंक बेल्ट मिशन के तहत लगाया गया ट्रेनिंग शिविर, युवतियों को सिखाए जा रहे हैं आत्मरक्षा के टिप्स। स्मार्ट मीटर को लेकर बैकफुट पर आया ऊर्जा निगम, अब उपभोक्ताओं से ली जा रही स्मार्ट मीटर की राय, बीते दिनों स्मार्ट मीटर को लेकर उठ चुके हैं कई बार सवाल। देव दीपावली को लेकर वाराणसी को सजाया जा रहा है, वाराणसी के 84 घाट पर लगी लाइट वाराणसी के घाट की शोभा और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ग्रेटर हैदराबाद के रोड शो से सीएम योगी का ओवैसी पर निशाना, कहा ओवैसी देश का खाते हैं, विदेश का गाते हैं, हैदराबाद को भाग्यनगर बनाना है। हैदराबाद में योगी और ओवैसी के बीच जुबानी जंग, योगी बोले जीते तो हैदराबाद का नाम बदलकर रखेंगे भाग्यनगर, ओवैसी का पलटवार, नस्लें तबाह हो जाएंगी पर नाम नहीं बदलेगा। कोरोना संक्रमण के चलते राजधानी देहरादून में साप्ताहिक बंदी, आज जरूरी सेवाओं और शादी आयोजनों को छोड़कर सभी पर पूरी तरह से रोक, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए देहरादून में साप्ताहिक बंदी लागू की गई। देहरादून के पल्टन बाजार में आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद। राजधानी देहरादून स्मार्ट सिटी के तहत कई प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। स्मार्ट सिटी के सीईओ आशीष श्रीवास्तव का कहना है कि अभी फिलहाल 20 से 22 फीसदी काम पूरा हो पाया है। बाइक बोर्ड केस में अब दादरी पुलिस ने दो और केस दर्ज किए। बाइक बोर्ड फर्जीवाड़े के पीड़ित लगातार केस दर्ज करा रहे। गाजीपुर के जंगीपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक वीरेंद्र यादव के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज। वीरेंद्र यादव सहित तीन के खिलाफ कुछ लोगों के साथ मारपीट का आरोप। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद पर कानून बनने के बाद पहली बार इस मामले में एफआईआर दर्ज। मामला बरेली के देवनिया इलाके का। गाजियाबाद के लोनी थाना इलाके के चिरोड़ी गांव में चोरों ने किराने की एक दुकान का शटर तोड़कर किया हादसा। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। यूपी में वायु प्रदूषण पर हाईकोर्ट सख्त और यूपी प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से सवाल जवाब तलब। कोर्ट ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर मांगी रिपोर्ट। यूपी लोक सेवा आयोग से की पीसीएस 2020 मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन शुरू। प्री परीक्षा में सफल अभ्यर्थी 14 दिसंबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। बाल शोषण के आरोपी जूनियर इंजीनियर राम भवन को लेकर सीबीआई पूछताछ में लगातार अहम खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई ने हाल ही में कुछ मोबाइल शॉप के मालिकों से पूछताछ की है। मोहब्बत के पूर्व कप्तान मणिलाल पाटीदार के खिलाफ दर्ज हो सकता है एक और केस। षड्यंत्र रचने के आरोप में दर्ज हो सकता है केस। पाटीदार के साथी उसके करीबी सिपाही अरुण कुमार यादव पर भी दर्ज होगा केस। बीजेपी विधायक विक्रम सैनी का एक विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ हो रहा वायरल। वीडियो में विधायक विक्रम सैनी समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के लिए आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। कानपुर में पिता ने अपने 7 साल की बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना कानपुर के लकड़बंडी की। पुलिस ने कहा कि आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि अभी तक साफ नहीं हो पाया कि बेटे की हत्या क्यों की। जौनपुर के बदलापुर रोड पर जाम के दौरान हंगामा हो गया। दरअसल गाड़ी के टक्कर लगने के बाद एक बाइक सवार पुलिया से नीचे गिर गया। आजमगढ़ में गोली मारकर पूर्व प्रधान की हत्या कर दी गई। वारदात की वजह पुरानी रंजिश और जमीनी विवाद बताया जा रहा है। अलीगढ़ के शमशाद मार्केट के पास देर शाम एक टायर पंक्चर वाले शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के पीछे बाइक मांगने का विवाद आया सामने। सीतापुर में एक यूनियन बनाकर ट्रक से अवैध वसूली का भंडाफोड़। पुलिस और प्रशासनिक अफसरों ने यूनियन के एक पदाधिकारी को दबोचा। सोशल मीडिया में एक युवक की पिटाई का वीडियो तेजी के साथ हो रहा वायरल। तस्वीरों में कई आरोपी एक युवक को बैट से पीटते आ रहे नजर। वीडियो कानपुर का। रामपुर में शादी समारोह में स्कूटी से घर आ रहे कांग्रेस के स्थानीय नेता की सड़क हादसे में मौत। अज्ञात वाहन ने मारी थी टक्कर। सुकमा में नक्सली एम्बुश में फंसी कोबरा बटालियन की टुकड़ी। आईईडी ब्लास्ट में से असिस्टेंट कमांडर शहीद। करीब 10 जवान घायल। रायपुर में 7 घायलों का इलाज जारी। आंध्र प्रदेश के चित्तूर और कडप्पा जिलों में बाढ़ का कहर। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में चित्तूर और कडप्पा में 8 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने प्रभावित जिलों का किया हवाई सर्वेक्षण। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट का बड़ा दावा। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड तैयार। 2 हफ्ते में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए आवेदन करेंगे। प्रधानमंत्री ने कल किया था सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा।